हेलो दोस्तों दोस्तों आज अपन माउथ एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों माउथ एक्सरसाइज की पहली जो बात है, जो स्टैमर आदमी स्पीड से बात करता है उसके लिए ये माउथ एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, जो आदमी मुंह ओपन करके बात नहीं करता है उसके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुली टेक्निक है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ, जो आदमी मुंह ओपन करके जो मुंह ओपन करके बात नहीं करता है वो कौन से वर्ड पे स्टैमर होता ही है। लेकिन जब तुम मुंह ओपन करके बात करते हो तब तुम स्टैमर नहीं होते हो, क्योंकि जब अपना मुंह ओपन होता है तब वर्ड बाहर निकलता है। लेकिन जब अपन मुंह छोटा करके बात करते हैं तब अपने में स्टैमरिंग आती है। तो दोस्तों पहली बात तो यह है कि जो आदमी स्पीड से बात करता है उसे स्टैमरिंग होती है, इसलिए स्पीड से बात न करते हुए एक एक वर्ड बोलना है और मुंह ओपन करके बोलना है। तो दोस्तों तुम इससे स्टैमर नहीं होंगे, ये बहुत ही हेल्पफुल तुम इस टेक्निक से तुमको बहुत हेल्पफुल मदद मिल सकती है। तो दोस्तों अभी मैं तुम्हें ये टेक्निक कैसी करनी है इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों चलो बिना देर किए ये टेक्निक कैसी करनी है इसके बारे में बताता हूँ। और दोस्तों तुम्हें ये टेक्निक दिन में 2 बार करना है, एक मॉर्निंग और नाइट में, ऐसे 2 टाइम ये टेक्निक करनी है। तो अभी दोस्तों अपन टेक्निक कैसे करनी है इसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। तो दोस्तों ये टेक्निक है ईओ ये टेक्निक है। ये टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल है, इससे तुम्हारी जो स्पीड की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होंगी। और जो लोग मुंह ओपन करके बात नहीं करते हैं उसके लिए ही बहुत इफेक्टिवली टेक्निक है। तो उसे तुम्हें फ्रेंड 10 बार ये टेक्निक करना है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों तुम्हें ये टेक्निक ईओ टेक्निक 10 बार करना है।
तो दोस्तों तुम देखोगे कि तुम एक मंथ में तुम्हारा माउथ एकदम ओपन होगा और तुम तुम्हारी स्टैमरिंग कम होंगी। तो दोस्तों ये टेक्निक का इस्तेमाल मैंने भी किया हूँ, तो मेरा माउथ इफेक्टिवली ओपन होता है। तो ये टेक्निक बहुत ही मददगार है, हेल्पफुल है दोस्तों। तो दोस्तों ये टेक्निक तुम करके देखो। दोस्तों ये वीडियो तुमको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।